हमीरपुर के सर्किट हाउस में जिला भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की बर्बादी से बचाने के लिए समाज को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोग नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ समाज में माहौल तैयार करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में देश और संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता कमर कस लें। बैठक में जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने विगत समय में पार्टी के कार्यक्रमों की मंडल सह समीक्षा की और आने वाले समय में आयोजित होने वाले पार्टी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी पदाधिकारियों को बताई। अनिल ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र अध्यक्ष, ग्राम केंद्र अध्यक्ष और बूथ पालकों से आह्वान किया कि जिला के सभी मतदान केंद्रों पर पार्टी कार्यक्रमों में अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाएं। मंडल की आवासीय बैठकें 15 अक्टूबर से पहले कर ली जाएंगी। वहीं हमीरपुर, भोरंज और सुजानपुर की आवासीय बैठकें 13 व 14 अक्टूबर को लंबलू, बस्सी और सुजानपुर में आयोजित की जाएंगी। बड़सर की बैठक 6-7 को मेहरे में तथा नदौन की 14-15 को नदौन के पार्टी ऑफिस में रखी गई हैं। इस मौके पर विधायक कमलेश कुमारी सहित प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री व पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, डॉक्टर अनिल दीवान भी मौजूद रहे।